कॉज ए माइनस साइन ए प्लस वन ओवर कॉज ए प्लस साइन ए माइनस वन, प्रूफ करना है इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले हम डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए, सबसे पहले लिखते हैं हम डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से हम जो है सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास कॉज ए ओवर साइन ए, बीच में साइन माइनस का आएगा, साइन ए ओवर साइन ए प्लस वन ओवर साइन ए अपॉन कॉज ए, ये भी सेम कॉज ए ओवर साइन ए, क्योंकि हमने इसको जो है साइन ए से डिवाइड कर दिया है बोथ टर्म को, प्लस साइन ए ओवर साइन ए प्लस प्लस नहीं यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस वन ओवर साइन ए। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि कॉज ओवर साइन इज इक्वल टू कॉट, और वन ओवर साइन कोसेक। तो नेक्स्ट स्टेप हम पुट करेंगे, देखिए कॉज ओवर साइन ए कॉट ए, कॉट ए बीच में साइन है माइनस का, साइन से साइन कट गया बच गया वन माइनस वन। अब वन ओवर साइन इज इक्वल टू कॉस एक ए प्लस कॉस एक ए ओवर, तो कॉस ए ओवर साइन ए सेम कॉट ए, फिर प्लस वन कट गया तो आ गया प्लस का वन, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस वन ओवर साइन ए इज इक्वल टू कॉस एक। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब यहाँ से आगे हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए इसके, तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। जैसे कि वन इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो नेक्स्ट हम यहीं से आगे शुरू करेंगे, कॉट ए देखिए अब हम रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, कॉसेक ए इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और माइनस को हम ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। देखिए अब वन जो है हमारे पास वैल्यू वन, तो यही फॉर्मूला था यहाँ पे वन इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, प्लस वन की वैल्यू है ये, माइनस साइन जो है हम बाहर रखेंगे, अंदर जो वन है उसकी जगह पुट करेंगे कॉस एक्स स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा। तो देखिए नेक्स्ट आ जाएगी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब माइनस का साइन हम सेम रहने देंगे और वन की जगह पुट करेंगे हम
कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे से हम लिखेंगे कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा सेम फॉर्मूला होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अब ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर है हमारे पास कोसेक स्क्वेयर और बी स्क्वेयर है कॉट स्क्वेयर, तो आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये सेम पुट करेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। नेक्स्ट जो है माइनस जो ये वाली टर्म है, अब इसको जो है इस फॉर्मूले में करेंगे हम ए माइनस बी, तो आएगा कॉसेक 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 ए माइनस कॉट ए। अब ए प्लस बी इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे से हम ही लिखेंगे हम कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब जो है अब हम जो है हमारे पास दो टर्म है ऊपर, फर्स्ट और सेकंड। अब हम इन दो में से कॉमन लेंगे, जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे और जो अंदर आया उसे हम अलग कर लेंगे। देखिए कैसे, तो कॉमन टर्म जो इन दोनों में है वो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये कॉमन आ चुका है, इसमें भी कॉट ए है प्लस कॉसेक ए और इसमें भी कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो हमने कॉमन टर्म ले लिए सबसे पहले, तो हम ब्रैकेट में तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से हमने ये टर्म कॉमन ले ली, तो यहाँ पे बच गया वन, अंदर रह गया माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर ये टर्म बची और यहाँ पे वन बच गया क्योंकि ये बाहर कॉमन ले लिया। तो जहाँ कुछ नहीं रहा मतलब यहाँ पे वन है क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है। और नीचे से हम कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब जो है माइनस जो हमारे पास टर्म थी, इससे जो है पूरी इक्वेशन को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, जो माइनस यहाँ पर टर्म है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारे पास वन, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस करता है, तो आ गया माइनस कॉसेक ए और माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस कॉट ए। अपॉन में सेम वैल्यू कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। देखिए अब इनमें जो जो कॉमन टर्म है उसे हम कट कर सकते हैं, जैसे माइनस कॉसेक, तो माइनस कॉसेक यहाँ भी और यहाँ भी है, और वन और यहाँ भी है, यहाँ भी है कॉट ए,
तो प्लस का कॉट यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, माइनस से माइनस, तो हमारे पास जो टर्म बची है वो बची कॉट ए प्लस कॉस ए के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो हमारे पास जो है इक्वल टू प्रूफ हो चुकी है। अब रीअरेंज करके आप इसको दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो प्रूफ हो चुकी है इक्वल टू राइट हैंड साइड।